ड्रिल लाओ वाला छोटा वाला ड्रिल, रेत ही दे दो कुछ भी। ऐसे कुछ हो जाता है, पुश होता है। ये डायल है, ये ऐसे मूव करता है, ऐसे सेंटर में काट दो, हल्का सा आ जाए ना इसके बराबर में। और देखो यहाँ से आ गए हैं, क्या करना पड़ेगा इसको, फाइव में ऐसे किसको एक्स में इसको हल्का सा आ जाएगा। क्या करना है सर, परिधि पे घुमाना है, इसकी पे क्या करना? हाँ ऐसे इसकी परिधि को घुमाना है बाहर वाली पे। करने से तेज कर दो, फीड बढ़ा दो, फीड भाई। डायल है, ये डायल को इसके चारों तरफ घुमाना है, जहां हल्का सा जहां पे टच हो रहा है मतलब हल्का सा प्रेशर देना है। तो इसके लिए हमेशा शीशा होना चाहिए, ऐसे रखना है शीशा देखने के लिए, है ना। शीशे से हमें क्या पता पड़ जाएगा जो इस तरह की रीडिंग ऊपर नीचे डिफ्लेक्स हो रही है आपकी या नहीं हो रही है, वो चेक करनी होती है। तो ये यहाँ से ऐसे देखना है, और जब ये टच हो जाए ना तो हल्का सा फोर्स अप्लाई हो जाएगा आपके इस पे सुई पे, है ना। तो जितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन है ना जो घुमा कर करना है वो जीरो आ जाना चाहिए। तो आपका जो वर्क टूल है, आपका जो ओवर ऑफसेट है, वो इसके रिलेटिव सब जीरो हो जाएंगे, अपने आप आ जाएगा सेंटर। और जब ये इसके चारों तरफ घूमेगी तो मतलब ये तो इसके सेंटर में आ गया, नहीं आ गया, है ना। तो ये चीज करनी पड़ती है, सेंटर नहीं है, नहीं है तो सेंटर, तो ये चीज करनी पड़ती है। दिख रहा है फिर क्या करेंगे, इस टाइम तो सही है, अभी सही नहीं है ना। अबे यहाँ से अभी टच का हुआ है, अभी टच ही कहाँ हो रहा है, अभी टच ही कहाँ हो रहा है, जब माइक्रोन में चलना पड़ता है, माइक्रोन में सेंटर आउट है, है ना। तो इसे करना पड़ता है, इसे कैसे करें सर, ऐसे करना पड़ता है, टूट जाएगी हल्का सा डिफ्लेक्शन दे दिया ना, मिडिल टूट सकती है। तो बोले धीमी से, क्योंकि उनके पास डिफ्लेक्शन, उनके पास में क्या होता है हैंडल होता है, हमारे पास में रैपिड है, रैपिड हैंडल होगा तो हैंडल से हल्का हल्का चलाता है, वो देखते रहते हैं कितना हुआ है कितना नहीं, ये वाला सावधानी से करना पड़ेगा, हो तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट करना पड़ेगा सावधानी से। तुम इतने ये वाला वो चला के दिखाओ, ये वाला प्रोग्राम में आके करता हूँ, 5 मिनट।
ये वाला तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इधर डिफ्लेक्शन, इधर आकर डिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें, इधर आकर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इस एरिया में आपका यहाँ से आता कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो आपको कहाँ चलानी पड़ेगी अपनी एक्सिस, एक्स जीरो करना है ये, अगर तो ये जीरो हो जाएगा एक चीज देखो, जेबे डाल इधर पुश करेगा, जेबे डाल आपका इस डार्क में पुश करेगा बीस की तरफ, ठीक है, जब ये आगे के डार्क में जाएगा इस डार्क में, पीछे के डार्क में आएगा इधर, ठीक है, अब देखो इधर क्या है माइनस, इधर आपका क्या जा रहा है माइनस जा रहा है, तो हम लोग कैसे क्या कर लेंगे एक्स में सेल का सा प्लस कर लेंगे, आ गया हो रहा है प्लस में हो रहा है माइनस करेंगे थोड़ा सा, अब देखो उल्टा हो गया प्लस में जा रहा है ना, तो सही नहीं जा रहा, जीरो जीरो से कहाँ जा रहा है माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है इधर, इधर देखो माइनस में है और इधर आने के बाद में यहाँ पर आ गया है प्लस में, है ना, तो इधर आके हमें क्या करना है इसको जीरो सेट करना है, इसे हल्का सा वाई में जीरो हल्का, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, जीरो के पास में हमें इसको टोटल जीरो बनाना है, हल्का सा क्या टोटल क्या बनाना जीरो, अब देखो जीरो इधर से क्या है हल्का सा प्लस में है, तो प्लस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा जीरो के पास माइनस, ये है ना, ठीक है, अब देखो प्लस में जा रहे हैं, देखो 10 mm आ रहा है इसे हल्का सा जी, यहाँ पर भी जीरो है, देखो इधर क्या है प्लस है, इधर क्या है प्लस, तो जीरो का देखना आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं जीरो पे जा रहा है, जीरो से दूर जा रहा है, जीरो से बहुत दूर है और माइनस में आ गया, जीरो पॉइंट फाइव आ गया, अभी पॉइंट फाइव माइनस में, बस हाँ पॉइंट थ्री के करीब होगा माइनस में, एक्स वाई दोनों में यहाँ देखो माइनस में, यहाँ से वाई में प्लस करना है, हल्का सा पहले चारों कोनों को सेट करो, वाई प्लस होगा, हाँ आ गया सेट कर लिया, अब देखो इधर बिल्कुल इस तरफ आ, यहाँ पर आपका वाई इधर आओ, अब एक्स में देखो एक्स में क्या है, यहाँ से इधर जा रहा है
तक तो सेट आ रहा है। अभी देखो,